श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण से द्वारकाधीश तक की जो बातें हैं, जो गूढ़ विषय है उसके बारे में, और राधा जी के कुछ कड़वे प्रश्न हैं जो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा था। कृष्ण और राधा जी स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो कृष्ण जी बड़े विचलित हो गए, पर राधा प्रश्नचित हो उठी। कृष्ण तक पकाए तो राधा मुस्कुराई। इससे पहले के कृष्ण कुछ कहते इतने में राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? अब जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाया करती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए बोले राधा जी से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं जो कल था, तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी कहता हूं। सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी आंखें आंसुओं से भर आती थी। इतने में राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई और ना कोई आंसू बहा। तो कृष्ण जी ने उनकी तरफ देखा तो राधा जी कहती हैं, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहां थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा इसका आईना तो देखो। और वो कहती हैं कुछ कड़वे सच और प्रश्न अगर सुन पाओ तो मैं तुम्हें सुनाऊं। तो कृष्ण जी कहते हैं, बताओ मुस्कुराकर। तो कहती हैं कि क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और दसों उंगलियों पर चलने वाले बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन उठाकर लोगों का विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या रंग दिखाया ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। सुदर्शन उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है मैं बताऊं? अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता है। आप तो बहुत सारी कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने कैसे कैसे निर्णय किया कि आपने पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया? सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर अर्जुन बैठा था, आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी? क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे, हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज मैं मानती हूं कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे करते हैं, राधे राधे करते हैं। क्यों? तो ये तो राधा जी ने कहा कृष्ण को, हमारे और आपके लिए जो मूल मंत्र ये है कि हमें कभी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करनी चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम से ही आप दुनिया को जीत सकते हैं, प्रेम ही एंड तक याद किया जाएगा, आपके युद्ध आपके लड़ाई झगड़े कभी याद नहीं किए जाएंगे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।